अब तो बुजुर्गों की पेंशन बनवाने के नाम पर भी संबंधित विभाग के कर्मचारी खुलेआम रिश्वत मांगने लगे हैं। दरअसल समाज कल्याण विभाग में डाटा ऑपरेटर के पद पर नियुक्त ऐसे ही एक कर्मचारी को विजिलेंस विभाग ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि कर्मचारी बुजुर्ग पेंशन की फाइल कंप्यूटर में चढ़ाने और उसका नंबर देने के नाम पर रिश्वत का गोरख धंधा चला रहा था। वहीं पकड़े जाने पर विजेंद्र नामक ये आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। हमारे पास हमारे डिपार्टमेंट में अनुज सनोही मोहन सिंह आया था, वो कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है। ये बुजुर्गों की पेंशन जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी पेंशन वगैरह बनवाने का काम करता है। तो समाज कल्याण विभाग में एक डाटा ऑपरेटर लगा हुआ है, वो इनसे पेंशन नंबर देने के नाम पे 5,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। जैसे ही हमारे पास ये आया, अपनी लिखित दरखास्त लेके आया, तो ऐसे ही हमने रेडिंग पार्टी तैयार करी। रेडिंग पार्टी तैयार करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेके और जो शैडो विटनेस है वो भी लेके और रेड करी वहाँ। रेड करने के बाद उन्होंने रेड हैंडेड 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। समाज कल्याण विभाग कहाँ पर है और किस ये सेक्टर 12 में है, सेक्टर 12 सेक्रेटरिएट में बैठते हैं। किस पद पर कार्यरत है ये? ये कंप्यूटर ऑपरेटर, पब्लिक डाटा ऑपरेटर। इससे पहले भी कभी इस तरह के मामले इसके सामने आए हैं क्या? इस तरह के नहीं है हमारे पास, जो भी मामले ऐसे सामने आते हैं तो हम तो तुरंत ही रेड करके कार्रवाई। समाज कल्याण सेक्टर वाले रिश्वत लेके भरा गया आपको, क्या क्या कहते हैं फिर? किस सर ये एक्चुअली है जो पूरा प्री प्लान है, जा करके मेरे को ये जो CSC है जिसने मेरे को ये पैसे दिए हैं उसने मेरे को, ये बारिश हो रही थी, कुछ फार्म थे 4-5 वो दिए थे, वो कह रहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ भाई, थोड़ी बारिश हो रही है भेज जाएंगे, इन्हें अपने पास रख ले। ये मेरे को रख के गया है, मैंने वो पैसे ऊपर जेब में रखे हैं, जा करके मैं बाहर जैसे मैं बाहर निकला हूँ जा करके एकदम से इधर उधर से। पहले से जानता था आपको कोई रिश्तेदार या? नहीं, ये CSC है जी, कॉमन सर्विस सेंटर पे ये फार्म अप्लाई करता है जी, तो मतलब कि जो सोशल सिक्योरिटी फार्म अप्लाई करता है। आपको जानता ही नहीं तो ऐसे पैसे कैसे? नहीं, CSC मतलब ऑफिशियल तौर पर जानता है मेरे को, इससे पहले ना तो मेरी इससे मतलब सिर्फ एक एज CSC जानता है, ना तो इससे मेरी कोई टेलीफोन बात हुई है, ना कोई वैसे बात हुई है कोई मेरी इससे। पर इन्होंने मेरे से ये बोला कि मैंने जब इन्हें बात करी इनसे कि आप 1,000 रुपये देंगे ना एक फाइल पे और आपका काम करवा देंगे, तो कल मैंने बात करी थी तो आज इनसे इन्होंने मुझे 2 बजे का टाइम दिया था मिलने के लिए, तो मैं आज अपने 2 बजे के इनके के अनुसार मैं आज 2 बजे इनके पास आया, तो इन्होंने मुझे डिमांड करी कि मुझे इतने पैसे दे दो तो काम हो जाएगा।